गामा किरणें क्या होती है? बाहरी अंतरिक्ष आने वाले अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित हाई एनर्जी होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलता है ये हाई एनर्जी युक्त किरणें होते हैं। हाई एनर्जी युक्त किरणें होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाला होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाला गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें हाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाला हाई एनर्जी युक्त होता है। हाई एनर्जी युक्त होता है गामा किरणें क्या होता है? हाई एनर्जी युक्त होता है गामा किरणें। हाई एनर्जी युक्त होता है गामा किरणें। हाई एनर्जी युक्त होता है गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ ज़्यादा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा है किरणें होती है हाई एनर्जी युक्त होती है। निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण वेध सकता है अधिक सबसे कम अल्फा। सबसे कम अल्फा सबसे ज़्यादा वेधन करेगा गामा किरणें। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। गामा किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है गामा किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन होता है? बीटा किरणें। हीलियम डबल प्लस आयन का अल्फा किरणें होती है। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा किरणें का। अच्छा, आयनन बोला है ना, आयनन क्षमता, आयोनाइज होने का क्षमता सबसे कम होता है गामा का। आयोनाइज होने का सबसे कम वेधन क्षमता हम सोचे थे दोस्तों, वेधन क्षमता सबसे कम होता है गामा का। ओके, लेकिन आयन क्षमता सबसे कम होता है किसका? गामा का। ओके, वेधन क्षमता सबसे कम अल्फा का। सबसे अब ये आयन क्षमता सबसे कम किसका होगा? गामा का। आयन क्षमता सबसे कम किसका होगा? गामा का। गामा का होगा। वेधन क्षमता सबसे कम होगा किसका? अल्फा किरणें का। आयन क्षमता सबसे कम होगा किसका? गामा का। आयन बोल रहा हूँ, आयन वेधन नहीं, आयन क्षमता सबसे कम होगा किसका? गामा का। ओके, जबकि वेधन क्षमता गामा ही का सबसे अधिक होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, सबसे ज़्यादा आयन क्षमता किसका होगा? अल्फा का। सबसे कम होगा गामा का। सबसे ज़्यादा आयन क्षमता, आयन क्षमता कम, कम किसका होगा? तो गामा का। कम बोल रहा हूँ, तो सबसे कम आयन क्षमता कम किसका होगा? गामा का। निम्न में से किस किरण के आयन क्षमता सबसे अधिक है? अल्फा किरण का सबसे सबसे ज़्यादा क्षमता क्या है? आयन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका है? अल्फा किरण का। जबकि आयन क्षमता सबसे कम गामा किरण है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ओके, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात क्या बनता है? शीशा बनता है। जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह क्षय होने के बाद शीशा बनता है। जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्षय होने के बाद शीशा बनता है। जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है शीशा बनता है, शीशा बनता है, शीशा बनता है। ओके, शीशा, शीशा बनता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है क्षय होने के बाद सब क्या बनता है? शीशा बनता है। न्यूनतम पारगम्य क्षमता यानी कम से कम किसका है? अल्फा किरण का। न्यूनतम पारगम्य क्षमता यानी वेधन क्षमता सबसे कम अल्फा का, सबसे ज़्यादा गामा का। आयन क्षमता सबसे कम गामा का, सबसे अधिक अल्फा का। आयन क्षमता हीलियम डबल प्लस आयन होता है अल्फा किरणें। अल्फा किरणें क्या होता है? हीलियम डबल प्लस आयन होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। बीटा किरणें होती है। बीटा किरणें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के समरूप होती है। वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है इसका। आयन क्षमता सबसे कम इसका होता है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता देश के नाम पर पड़ा है? पोलोनियम का। पोलोनियम का कुछ का देश के नाम पर पड़ा है। पोलोनियम का देश के नाम पर पड़ा है। पोलोनियम क्या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो देश के नाम पर पड़ा है? पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके जो इसके देश के नाम पर पड़ा है पोलोनियम को। ठीक है, कौन सा रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थ नहीं है? तो रेडियो धर्मी कौन है? एल्युमिनियम नहीं, बाकी यूरेनियम, थोड़ियम, पोलोनियम ये रेडियो धर्मी पदार्थ है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन है? यूरेनियम, थोड़ियम, पोलोनियम। यूरेनियम, थोड़ियम, पोलोनियम। यूरेनियम, थोड़ियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन है? यूरेनियम, थोड़ियम, पोलोनियम। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन है?
यूरियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियोएक्टिव सबस्टांस कौन कौन है? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला विक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अनुवेशन करने हैं तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? भारी जल का। नाभिकीय विखंडन को रोकने के लिए भारी जल का या बोरोन का? न्यूट्रॉन का अनुवेशन करने हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। नाभिकीय विखंडन को रोकने के लिए न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए कौन करता है? बोरोन का क्षार का यूज करते हैं। बोरोन के क्षार को कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, जर्कोनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, बाकी स्टेटिन है, फ्रांसियम है, ट्राइटियम है, स्टेटिन स्टेटिन स्टेटिन, फ्रांसियम फ्रांसियम फ्रांसियम, ट्राइटियम ट्राइटियम, स्टेटिन फ्रांसियम ट्राइटियम, स्टेटिन फ्रांसियम ट्राइटियम, स्टेटिन फ्रांसियम ट्राइटियम, ये तीन ही क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, स्टेटिन फ्रांसियम ट्राइटियम, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव वस्तु को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? पीवी के। ओके, पीवी किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीवी में, लेड में। ठीक है, वस्तु और रेडियो एक्टिव तत्व किस में रखा जाता है? पीवी वाला में रखा जाता है। पीवी का एलिमेंट से बना होता है जो क्या कहलाता है, उसी में रेडियो एक्टिव तत्व रखाता है, लेड में रखाता है। ठीक है, पीवी जो लेड कहलाता है, लेड में रखाता है, लेड में रखाता है। रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ रखाता है? लेड में रखाता है, पीवी में। ठीक है, जो विद्युत का कुचालक होता है लेड, मेटल तो होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है लेड, ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व इसी में रखा जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व इसी में रखा जाता है। बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान क्या परिवर्तन होता है? देखिए, बीटा कण में जब उत्सर्जन होता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एटॉमिक में नंबर में क्या होगा? एक में वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक क्या होगा? वृद्धि होगा, जबकि मास अपरिवर्तित रहता है। बीटा कण निकलेगा तब, बीटा कण में बोल रहा हूँ, गामा नहीं, बीटा किरण, बीटा किरण निकलता है तब क्या होता है? एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है, जबकि एटॉमिक मास परिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। एटॉमिक मास में एक एटॉमिक मास अपरिवर्तित रहेगा जबकि एटॉमिक नंबर में वृद्धि होगा। बीटा कण में उत्सर्जन से निकलता है, जो बीटा कण के उत्सर्जन से निकलने से क्या होता है? परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगा तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान क्या परिवर्तन होता है? परमाणु क्रमांक में एक में वृद्धि होगा तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। परमाणु क्रमांक में एक एक की वृद्धि होगी तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, बीटा कण के उत्सर्जन में होता है। बीटा कण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बीटा कण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बीटा कण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जबकि मास घटता है, मास घटता है बीटा कण के उत्सर्जन से। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, दो की कमी होगा, परमाणु क्रमांक दो की कमी, जबकि मास में चार की कमी होगा। जब अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक दो की घट जाएगा। अल्फा कण जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक दो घटेगा। ओके, एटॉमिक नंबर में दो की कमी होगा जबकि एटॉमिक मास में चार की कमी आएगा। एटॉमिक मास में चार की कमी आएगा जबकि एटॉमिक नंबर में दो की कमी आएगा। जब अल्फा कण निकलता है तो एटॉमिक नंबर में दो की कमी आता है, एटॉमिक नंबर में दो की कमी आती है, एटॉमिक नंबर में दो की कमी होती है, एटॉमिक नंबर में दो की कमी होती है, एटॉमिक नंबर में दो की कमी होती है जब अल्फा कण निकलती है तब, जबकि बीटा किरण निकलती है तो एटॉमिक नंबर में वृद्धि होती है, अल्फा किरण निकलती है तो एटॉमिक नंबर में घटता है। बीटा किरण निकलती है तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और अल्फा किरण निकलती है तो एटॉमिक नंबर घटता है। ठीक है, अल्फा किरण निकलती है तो मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अल्फा किरण निकलता है तो मास में चार की कमी होगा, मास में चार की कमी होगा। अगर एक अल्फा किरण निकला तो दो एटॉमिक नंबर घटेगा, अगर एक अल्फा किरण निकलता है तो दो एटॉमिक नंबर घटेगा, चार एटॉमिक मास घटेगा, एटॉमिक मास घटेगा चार। ओके, इसमें मैग्नीशियम बनेगा, बताया था एक
बीटा किरण निकलता है तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो निश्चित होगा प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ने का मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर किसका, मैग्नीशियम का होगा। यूरेनियम 92 और 87 में अल्फा बीटा किरण कम कण उत्सर्जित होते हैं, कितना, 3 अल्फा 1 बीटा, 3 अल्फा कण निकलता है, 3 अल्फा कण निकला है तो कितना यूरेनियम 92 से 87 हो गया, यूरेनियम 92 से यूरेनियम 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 87 होगा, हो गया में कितने अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होंगे, तो 3 अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, 1 बीटा कण उत्सर्जित हुआ यूरेनियम 92 से यूरेनियम 87 एटॉमिक नंबर हो गया। तब क्या हो गया इसका मतलब, देखिए 6 को इसका एटॉमिक नंबर घटना चाहिए था लेकिन क्या हुआ 5 हुआ, तो इस हिसाब से 3 को आप क्या कहिए, 3 को अल्फा कण निकला, ठीक है 3 अल्फा कण निकला गया तो 6 एटॉमिक नंबर घटा, लेकिन 6 ना होगा तो 5 ही वो ऑप्शन में 5 गो है तो 5 गो नहीं है तो 3 गो मारिए। ओके किसी रेडियो एक रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया तो रेडियो धर्मी क्षरण क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर रेडियो एक्टिविटी पदार्थ को क्षमता बढ़ा दिया जाए तो रेडियो क्षरण जो होगा क्या होगा, उतना ही रहेगा, रेडियो डीके कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को बढ़ाते हैं तो रेडियो एक्टिव डीके कितना रहेगा, अपरिवर्तित होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है अपरिवर्तित रहेगा। अगर रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मात्रा को क्या किया जाए, दुगुना कर दिया जाए, रेडियो एक्टिव पदार्थ को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियो धर्मी क्षरण जो है अपरिवर्तित रहती है, रेडियो धर्म अपरिवर्तित रहेगा। यूरेनियम 238 विघटित होकर के पोलोनियम 91 बना तो इसमें अल्फा बीटा कण हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 घटा है ना, तो घटाने का मतलब है कि अल्फा कण निकल गया है तो 1 अल्फा कण निकला है और 1 बीटा कण निकला है। 1 अल्फा कण का मतलब है 4 एटॉमिक मास का कमी आना, 4 एटॉमिक मास का कमी आना जबकि 2 एटॉमिक नंबर में कमी आना, 2 एटॉमिक नंबर में कमी आना। 1 अगर अल्फा कण निकलता है तब 4 एटॉमिक मास कमी आएगा और 2 एटॉमिक नंबर में कमी आएगा। ये जनरली फार्मूला है। अगर 70 दिन लगता है तो 140 दिन होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 250 ग्राम रह जाएगा, 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन है, हाफ लाइफ पीरियड कितना 1 दिन है तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा, 6/1/4, ठीक है 6×1/4% रह जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन है तो 4 दिन के पश्चात, 4 दिन के पास बाद प्रारंभिक मात्रा कितना हो जाएगा, 6×1/4। रेडियो धर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 4 महीने है, ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा, 8 महीना, कितना लगेगा 8 महीना, ये मैथ है।